अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका को मीडिया ने एक खसूसी कवरेज दी। अमेरिकन, पाकिस्तानी, इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया सब ने इस दौरे को मुकम्मल तौर पर कवर किया। अमेरिका के हर बड़े अखबार ने इस दौरे के शुरू होने से पहले और अब तक की तमाम खबरों को हेडलाइंस के तौर पर छापा है। इसके अलावा अमेरिकन मीडिया के हर बड़े चैनल ने यह पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह इमरान खान का इंटरव्यू कर सकें, मगर फॉक्स न्यूज सब पर बाजी ले गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका को अमेरिकन, पाकिस्तानी, इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया ने कैसे देखा और कैसे रिपोर्ट करके सारी दुनिया को बताया, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन प्रेस और अमेरिकन मीडिया की। अमेरिकन प्रेस और अमेरिकन मीडिया ने इमरान खान के दौरे अमेरिका को उस वक्त से कवर करना शुरू कर दिया था जब अभी इमरान खान ने अमेरिका की सरजमीन पर कदम भी नहीं रखा था। इस दौरे के शुरू होने से कुछ दिन पहले ही अमेरिकन प्रेस के बड़े बड़े बुर्जों यानी के द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन प्रेस, द इकोनॉमिस्ट वगैरह सब ने इस दौरे से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पब्लिश करनी शुरू कर दी थीं। इन तमाम रिपोर्ट्स में एक बात इन तमाम बड़े अखबारों ने मानी और वो ये कि इमरान खान का दौरा अमेरिका बे इंतहा अहम है। इन रिपोर्ट्स को लिखने वाले कुछ रिपोर्टर्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी को सामने रखा और तमाम दुनिया के लोगों को दो बातें बड़े इंसाफ के साथ बता दीं। पहली बात ये कि अमेरिका और बाकी दुनिया में रहने वाले लोग ये बात जान लें कि इमरान खान का दौरा पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के लिए अहम है तो ये दौरा उतना या फिर उससे भी ज्यादा अहम अमेरिका और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है। दूसरी अहम बात कि अमेरिका ने इस दौरे से पहले बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल किए हैं। इन बैकडोर चैनल्स में होने वाली गुफ्तगू में पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को हर मसले में मदद फराहम करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। इमरान खान इसी यकीन दहानी की वजह से इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिकन प्रेस और अमेरिकन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सियासत को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समझते हैं। इमरान खान ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान की लाजमन मदद चाहिए होगी। इमरान खान ने लोहा गर्म होने का इंतजार किया और फिर सही वक्त पर चोट लगा दी। इस बात से साफ पता चलता है कि इमरान खान एक घाक किस्म के सियासतदान बन चुके हैं। बकौल अमेरिकन मीडिया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारत का दूसरा टेन्योर इमरान खान के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टेन्योर का फैसला अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के पुरअमन इनखलाब पर डिपेंड करता है। इमरान खान और पाकिस्तान इस मसले में डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर सकते हैं। इसी मदद की ओज इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने मसले कश्मीर, डॉक्टर आफिया, एड और इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक कुछ प्रपोजल्स रखे हैं। बकौल अमेरिकन मीडिया, डोनाल्ड ट्रंप ये तमाम प्रपोजल्स मान चुके हैं। बकौल अमेरिकन मीडिया, इमरान खान पाकिस्तान के पहले हुक्मरानों जैसे नहीं हैं, लिहाजा अब अमेरिका को पाकिस्तान के साथ बहुत सोच समझकर बात करना पड़ेगी। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट किए तो उन सब ट्वीट्स का इमरान खान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और अमरीकी सदर और थिंक टैंक को उसी वक्त मालूम पड़ गया था कि पाकिस्तान में हालात बदल चुके हैं। तमाम अमरीकी मीडिया इस बात पर मुत्तफिक नजर आता है कि इमरान खान इस दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा पुरएतमाद नजर आए। इमरान खान ने हर बात बहुत सोच समझ कर की। वो जानते थे कि उनकी तरफ से एक छोटी सी गलती होने की देर है, मीडिया उस गलती को गुनाहे कबीरा के तौर पर रिपोर्ट कर देगा। इमरान खान की तबीयत में खिलाफ मामूल तदब्बुर और अल्फाज में ठहराव साफ नजर आया। द इंडिपेंडेंट नामी मशहूर जमाना अखबार ने इमरान खान पर एक खसूसी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका टाइटल है, नो, इमरान खान इज नॉट द ब्राउन वर्जन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इमरान खान पर यह रिपोर्ट पढ़ने से ताल्लुक रखती है। इस रिपोर्ट में द इंडिपेंडेंट ने साफ लिखा है कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप एक जैसे हैं वो बिल्कुल गलत हैं।
इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान की सियासत में एक तवील जद्दोजहद है। उन्हें पाकिस्तान का वजीर आजम बनने में 22 साल लगे हैं। उन्होंने किसी की सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की बल्कि अपनी खुद की एक सियासी पार्टी बनाई। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने एक दूसरी सियासी पार्टी को ज्वाइन किया, अपना पैसा और असर रसूख इस्तेमाल किया और अमेरिका के सदर बन बैठे। दी इंडिपेंडेंट के मुताबिक अगर दौरा अमेरिका में आपको इस वक्त इमरान खान एक फातह के तौर पर नजर आ रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके मुकाबले के सियासतदान हैं ही नहीं। इमरान खान सियासत के उतार चढ़ाव की समझ बूझ रखते हैं जबकि डोनाल्ड ट्रंप में ऐसी कोई खासियत नहीं। मेरा आप दोस्तों को यह मशवरा है कि अगर आप पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान की सियासी जद्दोजहद, इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप में कोई मुवाजना और इमरान खान के इस दौरे की कामयाबी के असल राज क्या हैं, तो आप सब लोग दी इंडिपेंडेंट की ये रिपोर्ट जरूर पढ़ें। अब जहां अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन प्रेस के बड़े बड़े अखबारों ने दिल खोलकर इमरान खान की तारीफ की, जो कि उनकी एक मजबूरी बन चुकी थी क्योंकि इमरान खान ने इस दौरे में अमेरिकन प्रेस या मीडिया को कोई भी लूप होल नहीं दिया, वहीं अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन प्रेस को इंडियन लॉबी और पाकिस्तान के गद्दारों से मिलने वाले पैसे का भी ख्याल था, लिहाजा अब कुछ तनकीद भी करनी थी। अब जब इन बड़े बड़े अखबारों को इमरान खान के खिलाफ कुछ ना मिला तो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी छाप दी कि पाकिस्तान में प्रेस और मीडिया आजाद नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो इमरान खान पर प्रेशर डालें कि वो अपने मुल्क में पाकिस्तानी प्रेस और मीडिया को ज्यादा से ज्यादा आजादी दें। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी पब्लिश की जिसमें लिखा गया कि गुलाली इस्माइल एक हीरो है, उसे बिला वजह में तंग किया जा रहा है। पाकिस्तान में मीडिया कितना आजाद है ये कौन नहीं जानता। अगर पाकिस्तान में मीडिया आजाद ना होता तो इमरान खान और उनकी हुकूमत से मुतल्लिक आए दिन झूठी खबरें और बिला वजह की तनकीद कब की बंद हो चुकी होती। जहां तक बात है गुलाली इस्माइल की तो इस औरत के भी काले करतूत हमारे सामने हैं। एक अमरीकी रिपोर्टर का इमरान खान पर तो गुस्सा निकला नहीं, उसने अपना सारा गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप पर उतार दिया। इस रिपोर्टर ने ट्वीट किया कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली ऑफिशियल मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज को गौर से देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका का नहीं बल्कि उल्टा अमेरिका ने पाकिस्तान का कोई कर्जा देना है। अमेरिकन प्रेस ऐसी स्टोरीज छाप कर बस कुछ खास लोगों से लिए हुए पैसे हलाल कर रहा है और कुछ नहीं। जहां तक बात है इंडियन मीडिया की तो वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। मसला कश्मीर से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसके बाद इंडियन मीडिया के तन बदन में आग लग चुकी है। इंडियन मीडिया ने सारे मसले पर इस कदर मुंह से झाग निकाली है कि इंडियन फॉरेन ऑफिस को आकर बयान देना पड़ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो गलत है। अब मामला कुछ यूं है कि मसला कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप को सालिस बनने की दरखास्त पर या तो डोनाल्ड ट्रंप खुद झूठ बोल रहे हैं या फिर इंडियन हुकूमत, ये बात आने वाले कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगी। इस दौरे के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के साथ खड़ा नजर आया, जो कि एक इंतहाई खुशाइन बात है। जिन लोगों ने बिला वजह इस दौरे से मुतल्लिक इमरान खान पर तनकीद की है वो कौन लोग हैं और वो ये क्यों कर रहे हैं ये मैं और आप सब जानते हैं। जब लिफाफे बंद हो जाएं और जेल की सलाखें नजर आने लगें तो फिर ऐसा ही होता है। दीगर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इमरान खान की बहुत ज्यादा तारीफ की है। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक इस दौरे के बाद अमेरिका में इमरान खान के सियासी कदोकाट में बेहद इजाफा होगा। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने इस दौरे में पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं। ये सब कुछ अल्लाह ताला के खास फजलो करम और इमरान खान की सियासी बसीरत की वजह से मुमकिन हुआ है। मेरी अल्लाह ताला से ये खुसूसी दुआ है कि वो इमरान खान को ऐसे ही हर सिफारती महाज पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआए खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जजाकल्ला।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।